कहाँ कहाँ? अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं। अभी बच्चों की स्कूल छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी है। तब तक मैं ऐसे ही बैठ के क्या करूँ? चलो थोड़ा गाना ही गा लेता हूँ। कहाँ कहाँ? कहाँ कहाँ? आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। बारिश होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों को लाने में, और उनका स्कूल भी यहाँ से काफ़ी दूर है, जंगलों का रास्ता है। बारिश हो जाएगी तो मैं भीग जाऊंगा और बच्चे भी भीग कर बीमार हो जाएंगे। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि बारिश ना हो। अरे ये क्या, बारिश ही शुरू हो गया। मैं तो सोच रहा था कि बारिश नहीं होगा, मगर ये बारिश भी ना जाने इतने जल्दी कहाँ से आ गया अचानक में। चलो पेड़ के ऊपर ही जाकर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। कौवा पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि जल्द से जल्द ये बारिश रुके कि मैं अपने बच्चे को लेने जाऊँ स्कूल, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। थोड़ी देर बाद कौवे का वाइफ घर से बाहर निकलता है और बोलने लगती है कि मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए हैं और उनका स्कूल भी छुट्टी हो गया होगा। आप जाकर देखिए और उन्हें ले आए, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज ये बारिश किसी भी तरीके से रुकने वाली है। मुझे कालो भैया ने बताया है कि ये बारिश कुछ हफ्तों तक ऐसी ही चलने वाली है, क्योंकि शहर में तूफान आया हुआ है। भगवान करे कि मेरे बच्चे अभी स्कूल से ना निकले हों, क्योंकि अभी बहुत तेज़ तूफान आ गई है, कहीं वो फंसे ना हो, क्योंकि अगर वो फंसे होंगे तो उन्हें अभी मदद भी नहीं मिल सकती है जब तक बारिश नहीं रुकेगी। तब कौवा अपने वाइफ को बोलने लगता है कि तुम चिंता ना करो, अभी बारिश बहुत ही तेज़ है, थोड़ी बारिश रुकने दो, तब मैं जाकर देखता हूँ कि बच्चे स्कूल में ठीक है या नहीं, क्योंकि अभी जंगल में बहुत तेज तूफान आया हुआ है, तो मैं भी भीग जाऊंगा और मेरे पंख भीग जाएंगे तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा, फिर मुझे जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ। देखो बारिश भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। अब बारिश का तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर अपने आप से तो हम सावधान रह सकते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो तुम चिंता बिल्कुल ना करो और तुम जाओ घर में, मैं बच्चों को लेकर आ जाऊंगा। मुझे पता है कि बच्चे स्कूल में ही होंगे और वह अभी स्कूल से बाहर नहीं निकले होंगे, क्योंकि बच्चे इतने समझदार हैं कि जंगल में तूफान आया है, अभी बाहर नहीं निकलना है। कौवा जंगलों के रास्ते स्कूल के लिए निकल गया था। बारिश में भीगते हुए वह जंगल से गुजर रहा था, तभी बहुत तेज की बिजली उसके ऊपर गिरने से बची। जब बिजली गिरा तब कौवा वहीं पर पेड़ के नीचे डर के मारे छिप गया और बोलने लगा, शुक्र है कि मैं आज बाल बाल बचा, वरना आज तो मेरी जान ही चली जाती इस तेज बिजली में। ना जाने ये बारिश का मौसम कब खत्म होगा। ये बारिश के मौसम में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी तूफान से घर बर्बाद हो जाते हैं, तो कभी हम खाना लेने बारिश में नहीं निकल सकते क्योंकि बहुत ही तेज़ बिजली होती है। चलो अब जल्दी से निकलता हूँ। बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे स्कूल में क्योंकि उनकी छुट्टी हो गया होगा। अब मुझे जल्द से जल्द उनके पास पहुँचना ही पड़ेगा, कहीं वह इधर उधर निकल के भागने ना लगे। कौवा बच्चों के स्कूल पहुंच गया था। अब वो बच्चों के पास जाने लगा ताकि उन्हें लेकर वापस घर लौट सके। कौवा अपने बच्चे का स्कूल पहुंच गया था और बच्चा अपने पापा से बोलने लगा, पापा आप कहाँ थे? इतनी तेज बारिश में आप भीग कर आए हो, आपको डर नहीं लगा? इतनी तेज़ बिजली मार रही है बाहर, चलिए अब बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही थोड़ी बारिश रुकती है हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ही कठिन होता है हमारे लिए। तो जैसे ही बारिश रुकती है हम जल्दी से निकल जाएंगे, ठीक है? चलिए मम्मी आज घर पर क्या बना कर रखी है? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आज तो मैं घर जाकर ठीक से खाना खाऊंगा।
कौवा और कौवे का बच्चा अपने घर पहुंच गया था और कौवे का बच्चा अपनी माँ से बोलने लगा कि माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो, मैं खाकर आराम करूँगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, लव यू।